चीकू, आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं और तुम मेहमानों के सामने बिल्कुल भी नहीं आओगे। नोप। जैसा है, अगर मैं उनके सामने खड़ा नहीं रहा तो वो जाते वक्त पैसे देना भूल जाएंगे, तो मुझे किसके सामने ही खड़ा रहना पड़ेगा। चीकू बेटा, अपने रूम में जाओ, अंदर जाके खेलो। नोप। चीकू बेटा, अंदर जाओ। नोप। अरे चीकू बेटा, इधर आओ। अरे चीकू बेटा, शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा अंकल ही तो हूँ। मैं शर्माता नहीं हूँ, मम्मा कहती है कि गेस्ट के सामने ज्यादा नहीं बोला करो, ये तुम घर के सीक्रेट्स बता देते हो, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। ओह नो। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ जी, अगली बार जरूर आइएगा। जी जी अंकल तो जाने वाले हैं, अब मुझे पैसे मिलेंगे और 100 रुपए से मैं मम्मी को बिल्कुल नहीं दूंगा। चीकू बेटा चलो, मैं चलता हूँ, आप ये पैसे रख लो। चीकू बेटा, ऐसे मेहमानों से पैसे नहीं लेते। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चों को चॉकलेट खाने में अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, तो हमारा फर्ज है। अच्छा चीकू बेटा, इस बार बताओ आप इस पैसे का क्या करोगे? जी मैं चलता हूँ जी। अच्छा फिर आइएगा। One eternity later. ऐसे भूत की तरह क्या खड़े हो? ये तुम्हारा ही बेटा है, तुम पर ही गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह चुगलखोर, लालची एक नंबर का। समझाओ अपने बेटे को। पता नहीं भगवान ने मेरी ही किस्मत में ऐसा बच्चा और ऐसा पति क्यों लिख दिया था, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई। One eternity later. अगली बार पापा को बोलूंगा मेरी दूसरी मम्मी ने, ये मम्मी बिल्कुल